Hey guys, alaikum, this is Rabia and you're watching me मी ऑन Magazine. आज जो मेरी मेहमान है वो वेट करिए कि मैं उनका एक अमेजिंग इंट्रोडक्शन कराऊँ और उन्होंने मुझे खा पी मैंने कहा प्रेशर ओ मैंने कहा लिसन आज तो मैं बहुत सिंपल कराने वाली थी क्योंकि जब आप पहली बार आई थी तो तो मैंने आई थिंक अच्छा इंट्रोडक्शन कराया था अब तो दूसरी बार आप हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाई हैं और आज तुम तो थोड़ा कैजल रह <laughs> अब हम फ्रेंड्स है। हैं फ्रेंड्स <laughs> को तो मेरे साथ है मीरा बली मुझे मुझे लगता ही नहीं कि उन्हें कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है प्यारी सी मनमोनी सी और वेरी वेरी फ्रेंडली एवरी टाइम आई स्पीक टू हर मुझे अच्छा लगता है एक पॉजिटिव वाइब आती है और ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने बरसों से हमारी दोस्ती है इट्स अ वेरी वेरी जेन थिंक दैट आई एम सेंग और बात भी अगर हमने किसी कॉन्सेप्ट करनी हो किसी ड्रामे पे रिव्यू बात हो रही हो उनके कैरेक्टर पे हो रही हो या इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन से रिलेटेड भी बात हो रही हो तो बड़े प्यार से बड़े रिस्पेक्ट से अपना पॉइंट आप बताती हैं कि बंदे के पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता था सवाईस <laughs> के ठीक है मीरा अब जो कह रही कहेंगे मैं मान लूंगा तो आज मेरे साथ हैं उजाला फ्रॉम परिस्तान हम कुछ उजाला की बात करेंगे और कुछ हम मीरभ से गुफ्तु करेंगे शादी पे इंगेजमेंट पे और कॉम्प्रोमाइज़ पे मैं डाला oh my God, I thought मैंने मैंने प्रेशर प्रेशर डाला डाला? आपने तो उल्टा मेरे में डाल दिया लेकिन ये रात ने कैमरा ऑन किया है और तीन मिनट राबे ऐसे देख रहे हैं कम करना शुरू ना हो बटी काफी अच्छा था हाँ। लेकिन पता क्या कुछ होना शुरू हो गया तो मेरे बैठी हूँ आपको धक्का दे

बल्कि इट्स एक्चुअली वेरी फ़नी मैंने बहुत जगह में बोला हुआ था बट आई थिंक मतलब uh... एक इंटरव्यू में पहले ही बोलता था आई थिंक वो एक ऐसा इंटरव्यू था जब पे मैंने एक्चुअली डिस्कस किया था yeah. किस कर दू और ये वो mm -hmm. तो वो तो मतलब एक मीम बन गई फिर उस पर एडिट्स बन गई फिर मेरे पता नहीं फैमिली वाले मुझे कॉल्स कर रहे हैं कि वो तुम तुम ये हो गया बल्ते सामान मैं कह रही हूँ मतलब क्या हो गया गुड सीन होके नाइस तो बड़ा अच्छा I गया आई थिंक हर जगह के लोगों को अच्छा लगता है कि उन उस जगह का कोई रिप्रेजेंटेटिव अगर अच्छा एंड माशाल्लाह से यू डूइंग ग्रेट एंड आप यू नो बहुत इंस्पायरिंग भी आपका जर्नी सो so, वो मुझे लगता है उनको ओन अप करने में अच्छा लगा ना यू फील प्राउड या कुछ लोग आई थिंक वो होता होगा कर करते होंगे the... yeah, 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 yeah. एक yeah. लड़की जा के yeah. अच्छा काम कर रही yeah. है respect के साथ तो आपको मैसेज मिल गया? मुझे एक मजे की कहानी सुना रही थी आप मुझे ना जी कोई आ, अच्छा आई नोट न कोट दिस रॉन्ग कोई बल्तिस्तान के कोई हायर कोई।, कोई मतलब कोई बड़ी पावर पे कोई पॉलिटिकल पावर पे कोई बंदे थे और वो मेरे भाई के साथ मिले थे टू डिस्कस समथिंग क्योंकि मेरे भाई ने कोई काम करना था बल्तिस्तान में हुँ. तो दे टोल माई ब्रदर रामस कुछ लोगों को आई थिंक पता होगा कि मेरा बड़ा भाई है उसको कहा कि या बहुत तारीफ की उसकी बिना कि आपने रैपिंग स्टार्ट mm -hmm. की आपने अपनी एजेंसी स्टार्ट की किया वेरी प्राउड ऑफ़ यू एक वैसे डिस्कशन होती गई ना कि बल्कि बच्चे आजकल इतना काम वाम कर रहे हैं और ये वो तो एकदम से कहते बच्ची है वेरी प्राउड ऑफ फेर और वो एक्टिंग में आ गई और बहुत मतलब बात होती है उसके बारे में ये वो तो रामिस कहता है उनका नाम क्या है मेरा जो भाई है तो कि तो मीरा बली yeah. तो रामेस कहता है वो मेरी छोटी मैं तो वो कहते क्या मतलब क्या सीन है आप सब तो रामेस का यार या तो इट वाज वेरी फनी रामेस इज आई थिंक पहली बार ऐसा हुआ है कि बचपन से हमेशा मैंने यही सुना है स्कूल में भी कॉलेज में भी कि वो आप रामेस सली की बहन है या यू नो बिकॉज वो उस टाइम पे ज़्यादा वो था कूल था अपने टाइम का तो अब अच्छा लग ही फीज वेरी प्राउड कि कोई उसके पास आकर मतलब मेरी तारीफ कर रहा yeah. होता अच्छा, है अच्छा लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो आप कह रही थी मेरे कि आपको कॉमेडी करनी है मुझे बड़ा क्लियरली याद है ना यू वो सिंह कि मैं प्रेफर करूँगी लेकिन उजाला एकदम से इतनी सीरियस ये कैसे हो गया एग्जैक्टली so, सो <laughs> exactly. so, हुआ ये था कि रमज़ान प्लेर्स आई थिंक एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी वन शुड ग्रैब इट इफ देयर गेटिंग इट स्पेशली एक सेकेंड ड्रामे के लिए uh, मैंने सो वाई एज एट कॉमेडी वॉज बिकॉज इट वॉज वेरी यू नो मतलब बिल्कुल मेरी तरह था वेरी मतलब क्लोज टू मी कि मतलब मैं वैसी हूँ फसूल जोक मारना हंसना स्माइल हाँ. करते रहना बट देन उन्हें हर्ड वर्ट उजाला ना मुझे वो थोड़ा सा ना फन लगा रहा इट इज़ द टोटल ऑपोजिट ऑफ मी बिल्कुल हाँ. तो

अब नया नया रिलीज हुआ था मैंने तो पहले से सुना हुआ था yeah. तो मैं तो कह रही थी मुझे सारा आते प्लीज मुझे गाने लाइक नहीं, नहीं 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 उजाला नहीं गा सकती तो oh. तो मैं तो से कि यार मतलब क्या बकवास है again, वो डिफिकल्टी ही मजे की थी hmm. मेरे लिए आई थिंक yeah. तो चैलेंजेस थे थोड़े हाँ वो फन था।, था मेरे लिए आई मीन इतने नहीं थे कंसीडरिंग कि बस मच्छे ऊपर थी लेकिन ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली मेरे पास आगे एक क्वेश्चन है इसी चीज से हम उस पर आएंगे अच्छा लेकिन मैं उजाला को देख रहा हूँ मेरा मतलब आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी सिनफ्यान में भी डेफिनेटली लेकिन अभी जो उजाला में मैं देखती हूँ आपके ये मैंने मैसेज भी किया था जी, आपको याद जी. है कि आपके चेहरे के एक्सप्रेशन हैं कुछ हैं सटल स्लाइटली होता है लेकिन इम्पैक्टफुल है लाइक यू कैन मिस दैम एंड वो जो मैसेज उजाला कम्युनिकेट करना चाह रही होती है वो करती है एंड ये आसान काम नहीं होता है ये जो मैंने ग्रोथ देखी है आपकी विद इन वन ड्रामा वॉज़ वेरी इंप्रेसिव आप क्लासेस ले रही हैं क्या कर रही हैं बीच में क्या मैं डांट खा रही हूँ डायरेक्टर से <laughs> <laughs> ये हो रहा है मेरे साथ अच्छा? नहीं अली भाई शाहरुख टू तो अली हसन ही बिकेम ओल्डर ब्रदर टू मी ऑन सेट और बहुत अच्छे हैं वो और उन्होंने बेसिकली मुझे शर्माना सिखाया okay. मुझे अम,

तो आम, अली भाई कॉल मी कि एज एज छोटा भाई छोटा yeah. बहन नहीं छोटी बहन नहीं बोलते थे yeah. वो छोटा भाई बोलते थे कहते यार हमेशा कैमरे के पीछे से यार मेरे छोटे भाई को शर्माना नहीं आता फिर <laughs> मैंने सीखा कि अच्छा okay. मुझे ने कहा यार तुम मेरी आंखों में देखो और मैंने कहा यार नहीं फिर उसने कहा यही चाहिए no, so... यही तुम्हारा जो अभी शर्माना है yeah. इस बात पर यही चाहिए तो वो थोड़ा सीखना पड़ा एंड आई थिंक जो यही आई थिंक उजाला का कैरेक्टर का पर्पस ही ये था कि वो ज्यादा बात नहीं करी पर उसकी वो जैसे वो बाबर हाँ, बताता है कि है मैं आ रहा हूँ हाँ, तो, तो एकदम से कि एक्जेक्टली एक्सप्रेशन जब हां चलो एम Glad एट लीस्ट समवन गॉट ऑन प्रैक्टिस कर रही हैं साथ-साथ आई नो आई अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर और ये आपको प्रैक्टिस दे रही है आई थिंक सीआर हमें कर लेते सीन से पहले तो उससे फिर समझ आती फिर वेट मैं कह रही हूं नेचुरल है बचपन में, नहीं का। ये में मुझे सब करते थे कि तुम पदाइश हो तुम्हें कैसे अच्छा बिकॉज मुझे, मुझे बहुत अच्छे एक्सप्रेशन की डिलीवरी लगी आपके and, uh, और क्योंकि uh, सारे कैरेक्टर्स बड़े अलाउड है आपका ही एक है जो सेटल है अच्छा ये भी लग रहा है मुझे कि पिछली दफ़ा जब आई थी तो आप यू आर टेस्टिंग द वॉटर्स मे बी जी नो लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यू हैव फॉलन इन लव एक्टिंग ये सही मेरी ऑब्जर्वेशन है या इट्स ट्रू सो आई हैव ऑलवेज यू नो एडमायर्ड एक्टिंग इस तरीके से कि मुझे बहुत फन लगता था राबिया कि hmm. आप अप, अपना आप नहीं hmm. months, yeah. I, I mean, हो फॉर थ्री मंथ्स आई मीन चार महीने हो गए थे मुझे अब आई एम डन विद परेशान की शूटिंग बट फॉर फोर मंथ्स आई हैड टू गो एवरीडे ऑन सेट एंड बिकम समबडी एल्स तो मैं बिल्कुल वो बन गई थी मतलब मैं घर आके भी काम और ये वो तो माई मोमोज लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग टू हर मतलब घर yeah. के काम कर रही हूँ पहली बार yeah. और मामा के नहीं मतलब पूछे बगैर तुम खुद कर रही हो क्या सीन है तो उजाला थोड़ा हो रही थी उजाला इश्क बन रही थी थोड़ी तो आई आई जस्ट थिंक कि बचपन में भी मैं uh, जिसे उस टाइम में डिज्नी के शोज देखा करती थी तो मैं उनकी स्क्रिप्ट खोल के पढ़ा करती थी कि मैं मैं हूँ हैना और okay. मैं हूँ उस टाइम श्रीनागो में एक mm. शो में थी तो मैं वो हूँ और मैं पढ़ा करती थी तो मुझे बहुत शौक था तो अब मैंने टेस्टिंग द वॉटर्स तो ऑब्वियसली इसलिए था, था कि मैं देखना चाहती थी इफ आई कैन एक्चुअली डू इट और इफ़ आई फाइंड फन इन डूइंग इट क्योंकि ऑब्वियसली इट्स अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड अ लॉट ऑफ टाइम पुर इन टू समथिंग एक प्रोजेक्ट में चार महीने दैट्स अ लॉट ऑफ डेज लाइक पीपल डोंट गेट सुबह नौ बजे लेकर रात के दस ग्यारह बजे तक दैट्स

बड़ा ब्रेव थी आप, उजाला कैरेक्टर लेने में क्योंकि आपके इर्द के जितने कैरेक्टर्स हैं वो बड़े लाउड हैं तो ये डर था ये कि कहीं आप दब ना बिकॉज़ उजाला का ही एक परिस्थान में जो धीमा है जो जी जी जो जी जो बाकी, तो, नहीं, बाकी सब है मोर प्रोनाउंटी इवन बाबर बाबर ही नाम है जो जी बाबर इवन बाबर उजाला इज द ओनली वन जो एक रिदम से चल रही है वो सीरियस है वो संभली हुई है hmm. वो उसको आप कहीं भी इतना एक्साइटेड या उस तरह नहीं देखते जैसे बाकी कैरेक्टर तो ये ये डर मुझे हो सकता था अगर मैं करती कि मैं कहीं दब ना जाऊं ये hmm. जहन में आया उसको hmm. आपने कंसिडर डिस्कस किया डायरेक्टर अच्छा से. मैंने ये बिल्कुल अलग परस्पेक्टिव से लिया अच्छा ओके okay. मैंने ये लिया कि लोग शोर सुन सुन के जब तंग आ जाएंगे तो उजाला आएगी काम इंटरेस्टिंग तो आई थिंक दैट क्रिएट्स अ बिगर कि इतनी खामोशी की होगी स्क्रीन पर yeah, राजाधन तो के दस लोग चीख रहे हैं और एक hmm. बंदी है ना तो hmm. डिफरेंशिएट तो एक बंदी hmm. करी है ना फिर hmm. दस तो दस सेम है hmm. जैसे लाउड है वो लोग तो मैंने इस तरीके से देखा कि इफ आई वर टू वॉच टी वी और मुझे लग रहा है यार बहुत वॉच और हो गया तो जब वो काम hmm. कैरेक्टर आएगी तो मेरे थोड़ा सुकून होगा कानों hmm. के लिए और देखने के लिए भी की अच्छा ठीक है काम सीन गया तो आई एम ग्लैड कि लोगों ने बैलेंस बहुत अच्छा बनाया कि परी भी कुछ सीन्स में लाउड है तो परी कुछ सीन्स में थोड़ी सैड भी है तो उसकी yeah. तो तो टोन थोड़ी लो हो गई है कमाली बहुत क्रेजी है क्रेजी है कमाली तो। सफीना डेट अमेजिंग तो बिल्कुल yes. वो क्रेजी हुआ है yeah. तो कुछ सीन्स में जब रक्षंदा जी के बारे में बात हो रही है वो या आरजू जी के बारे में पहले बात हो रही थी yeah. तो उसमें वो थोड़ा सैड हो गया था तो काम yeah. तो आई एम ग्लैड कि काम साइड्स भी शो किए ताकि वो क्योंकि बहुत ज़्यादा लाउड हम भी नहीं देख सकते जो ऑनेस्ट बात है कि आप जब रोज़ा खोलते हैं तो

बर्तन थे वो बहुत हैवी थे हाँ. अंदर कुछ नहीं था हुँ. पर बहुत हैवी थे राबिया मतलब अब स, एक सी आर हो रहा है ओबियसली जो हमारी दादी थी अजरापा वेरी यू नो शी इज़ अ वेरी अमेजिंग एक्टर एंड बहुत अच्छा उनका काम भी था एंड शी इज़ वेरी स्वीट टू सेट विद मतलब उनके साथ मैं बैठ के जो बातें कर रही थी उन्होंने मुझे डे वन पे कहा था मैं तुम्हारी दादी हूँ हाँ. जब तक ये प्रोजेक्ट एंड नहीं होता मैंने कहा नहीं उसके बाद दिया मेरी दादी बहुत स्वीट है तो उन जब वो मैं उनसे मिलती थी वन एवर यूज टू कम ओवर टू दादीज हाउस तो मैं कोई बर्तन लेकर आ रही हूँ yes, तो uh -huh. इन लोगों ने मुझे इतनी हैवी ट्रे पकड़ा दी और अब वो दादी को सीन में चलना है इधर से तो मैं बस खड़ी हूं, <laughs> और मेरे हाथ हो रहे थी तो वो मुश्किल था और ऊपर से एक बहुत फनी सीन था जिसमें मैंने जिंदगी में एक बार ही किया था बचपन में जब मैं और मेरा भाई ममा को हेल्प किया करते थे घर के कामों में तो मुझे मैं भूल गई राबिया के वो बनाते कैसे हैं जिससे वो तो अली भाई तो गुस्सा हो गया तो तुम्हें नहीं पता ही कैसे करते तो मैं क्या कर रही हूँ मुझे नहीं 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 इतनी इतनी हो तुम तो. कहा मुझे कसम से नहीं पता फिर उन्होंने मुझे मतलब मजाक कर दिया उन्होंने मुझे बना कर दिखाया कि और पानी मारो बेटा इतना पानी नहीं मारते इतना सा कम नहीं मारते तो थोड़े फन चीजें थी पर उसके अलावा तो

चैलेंज क्या था करने के लिए उजाला को चैलेंज एज सच कुछ नहीं था बस ये था कि आई स्लोली really hmm. जो मैं अब भी आजकल सीख रही हूँ थोड़ा hmm. स्लो बात करना hmm. तो मेरी पेस जब भी फास्ट होती थी तो अरे भी कहते थे हैं, हैं, हैं क्या <laughs> मुझे फिर से वो सीन करना पड़ता था hmm. वो बहुत मुश्किल था एंड आई थिंक फॉर मी टू गो फॉर माई नॉर्मल सेल्फ उससे एकदम से डाउन हिल जाना hmm. कि अच्छा मेरी ये होगी hmm. कि जी अच्छा hmm. ये बहुत मुश्किल है yeah. कि और ऊपर से फिर कुछ सीन्स में ज्यादा बहुत बहुत धीमे बोल रही है yeah. और ऊंचा मैं कह रही हूँ वो इंपैक्ट नहीं बनेगा अगर मैं ऊंचा उस अब ये हमारा भी अभी एक सीन गुजरा है वही जो कमाली हमें जंगल डेजर्ट एरिया और उधर बाबर मुझे पहली बार

उजाले में समझ आने लगी शुरू के दिनों में मैं ज़्यादा थोड़ी पिक नहीं कर पा रही थी मैं बीच में लोगों को फील होगा कि मेरी टोन एकदम से वापस ये हो गया धीमे बोल रही हूँ लेकिन टोन मेरी वाली है लाइक नॉर्मल मीरे बली से तो वो ऐसे था बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कैसे इसके अंदर बट बाई द थर्ड टू फोर्थ डे आई हैड द हैंग ऑफ इट आई थिंक मैंने अभी आप बात ही करी तो मेरा सवाल यही था कि हाउ डिफिकल्ट वॉज इट या कितना प्रेशर था या कितना मुश्किल था टू कॉन्स्टेंटली के जो उजाला की पॉइज है

Natural बस थोड़ा आपके हाँ, दर दर हाँ, हाँ, हाँ। मुझे पहले मैंने पहली किया था नहीं किया था लेकिन गुलांटी ने सिखाया था कैरेक्टर में फंसते नहीं कभी भी उन्होंने okay. कहा था तुम्हें इतना सीख लेना चाहिए कि जब तुम्हें ये करें तो तुम वो कैरेक्टर बन जाओ और तुम्हें जब ये करे तो तुम आउट ऑफ कैरेक्टर आ जाओ तो उनसे मैंने एक चीज ली थी क्योंकि जब मैंने गुल की थी गुल में बनी थी सिंफ आहन में पठानों की ज़रा बात करना शुरू हुई hmm. थी ग्रेटेस्ट मतलब, एक्सीडेंट like, yeah. जि, लेकिन जितना मैंने किया था yeah. वो मैं घर में आकर भी बात करना शुरू हो गई थी तो मेरी अम्मी घंटी रिकॉर्ड की थी पागल हो गई है।, like, yeah. है कैसे yeah. बात रही है yeah. तो तब मैंने सीखा था कि अच्छा सही आई कॉन्ट डू दिसर वुड लवि वो तो चाहेंगे अभी भी बस जाओ तुम उसका जाना तुम्हारे बस जाए लेकिन मैंने ये किया था कि वन एवर आई वुड रीड द स्क्रिप्ट आई वुड मैं बिल्कुल वो बन गई थी बिकॉज आई सीन यमना से मैंने ये चीज़ सीखी है उससे मुझे कहा था वन एवर आई शी रीज़ अ केक्टर शी रिमेंबर अ पर्सन इन हर हेड के uh, अगर एक थोड़ा फ़नी कैरेक्टर है तो द फ़नीस्ट पर्सन इन अर लाइफ कि जिसने कोई हरकत की हो तो वो पिक करती है उधर से okay. तो मैंने आई नो मेरी दोस्त है लाहौर में हमदास का नाम है शी इज़ वेरी काम राबा वो हाइपर बाद भी इतना काम नहीं करती है okay. इतना काम नहीं शी इज़ माई नेबर तो मैं जब भी से घर जाती तो हर बात की हाँ मीरा और ये वो बहुत सूदिंग तरीके से बात करती थी तो मैंने कहा ओके हैव हैव टू टू बी बी तो वो हमदा एकदम से वो जाला बन गया yeah. तो वो उसके साथ ना रही ना मैं कि मुझे hmm. पता था कि अच्छा इन चीज़ों को ऐसे बात करनी yeah. है जब अपसेट हो बीच में थोड़ा गुस्सा भी हुई जब मुझे लगा yeah. कि बाबर और आरजू जी का चक्कर चल रहे हैं लेकिन उसमें भी आई थिंक मेरी ये वाली टोन थी hmm. चीखने में ये वाली टोन yeah. थी yeah. इससे yeah. हाई नहीं गई yes. तो वो um, डायरेक्टर ने भी कंट्रोल करवाया था मैंने भी एक तरीके से एक इमेज रखी हुई थी अपने उजाला yeah. की इन माई हेड तो वो हो गया था hmm. थोड़ा मुश्किल था शुरू में देन आई यू नो इट बेसिकली अच्छा ये बच्चों के साथ हर इतना थोड़ा सख्त उसका बिहेवियर होता था मेरा उजाला का उजाला का अच्छा तो वो गिवन उजाला कितनी सॉफ्ट है मुझे होता था यार ये बच्चों के साथ थोड़े और प्यार से बात कर लेती थोड़ा यू चिढ़ जाती थी बच्चों से नहीं ने? अच्छा सो ऑलमोस्ट डांडने की उस पर आती थी कभी कभी तो अच्छा उजाला हैजल्ड वुमेन हेड मतलब यू नो शी इज़ वेरी मच्योर इतना रिस्पॉन्सिबल जितना उसकी उम्र को दिखाया कि यूनिवर्सिटी में है ये वो तो इतने नहीं होते आई थिंक यूनिवर्सिटी में बच्चे के hmm. बिल्कुल काम और पता हो कि नेबर्स hmm. की भी केयर कैसे करते हैं और घर वालों yeah. की भी केयर कैसे करते हैं और एक दादी हैं जिनसे वो yeah. जिससे वो यू you नो know, बहुत क्लोज हो होगी बिकॉज शी डजन हैव अ ग्रैंड मदर मतलब एक दादी उसके दादी नानी कोई है नहीं उसके पास तो उसको एक फैमिली वाली उनसे फील आने लगती है वो अकेली होती है घर पर शी फील्स बैड फ्रेंड शी शर्ट कमिंग ओवर तो जैसे बड़े बच्चों को डांटते हैं कि तुम लोग इतना शोर क्यों मजाते हो तो आई थिंक उजाला भी उस तरीके से माइंड में चलता होगा कि यार मतलब शोर करना बंद करो दादी अकेली है होती हैं उनको तंग okay, करता होता है तो यू नो एंड ऊपर से कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो आउट ऑफ नाइसनेस करी होती है दादी के लिए जो भी yeah. लेकिन उसकी अम्मी का बिहेवियर और दादी कुछ बातें सीन्स में नजर आ रहे हैं कि वो बोल रही कि yeah. मतलब क्या कर रहे हैं आप लोग क्या yeah. बोल रहे हैं सिंपल इन हर हेड मतलब वो इतनी स्टूपर है लूफ है बेसिकली कि इसको पता नहीं है कि इतनी पोलिटिकली like, you know, कर रहे हैं क्या है? बातें हो रही हैं कि हाँ. अच्छा ऐसे ये हरकत कर रही है वो तो आउट ऑफ नाइसनेस करिए बिक्स इज हर So I think with the kids as well, उस थोप दिए जाते हैं है, पर है, yeah. तो नहीं, नहीं डांड के पढ़ातीजन्स <laughs> को डांट के पढ़ाती हूँ oh <laughs> तो मुझे बड़ा मज़ा आया बच्चों को बनाकर बैठो बैठे उधर तो मैंने कहा था मेरे बेबी कजन है बहुत क्यूट बच्चे थे दोनों नोमर हमजा दोनों तो आई uh, थिंक उसका उधर से परस्पेक्टिव आता था शुरू में ये भी बड़ा बढ़ाए थे जब पहली बार पहली या दूसरी बार दादी के पास जाती मिलने तो, तो कपड़े इस्ते करने के लिए खड़ी हो जाती है अरसम के तो लोगों ने कहा ये क्यों जाके कर रही है भाई वो भी थोड़ा ऑफ नहीं था या या मुझे लगा उजाला की नेचर ही ऐसे कि वो ना नहीं हाँ, करें उजाला ऐसी देखें आप किसी घर जाएँ और एक और आप लाइक आई सेड दादी से बहुत क्लोज हो गए और उनका बेटा मतलब ओबियसली उनका जो ग्रांडि है वो गुस्से में अंदर आ कह रहे कि, कि क्या वो है ऐसी वो कर रहे तो आप बोले कि अच्छे से मैं कर लेती हूँ मैं कर लेती ले वो वो जानती नहीं है अजनबी है बिल्कुल हाँ आई थिंक वो ट्रांजेक्शन थोड़ा बेहतर होना चाहिए था उस तरीके में लेकिन ये था कि मतलब जैसे आप किसी दादी के घर आती हैं किसी बड़े के घर आते हैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आप कहती हैं उनके लिए नॉट फॉर द अदर पर्सन पर बट उनके लिए कहती है कि वो आपको प्रेशर में ना डाले बिकॉज दादी इज़ ई ईज़िली यू नो वो टेंशन में आती है कि बच्चा है उनका एक अकलौता मतलब एक ही घर पर और दो बच्चे और इनकी केयर करनी है तो दिस मैन ऑफ द हाउस शुड बी मेंटली स्टेबल तो वो हर चीज़ को केयरफुली देख रही होती है तो वो उनको बचाने के लिए वो बोलती है अच्छा अच्छा मैं करती हूँ इसलिए आप मुझे बता दें इसमें कोई मतलब यू नो एक और बाबर बाद ने अब काफी देर जाकर देर से जाके उसको कन्फेशन किया लेकिन वो हिंस तो पहले से दे रहा था वो बहुत क्लियर था दोनों के दरमियान की एक दूसरे को पसंद करते तो वो खुल के क्यों नहीं बाबर को बोलती थी कि अट मतलब डू समेक स्टेप जो जरूरी है Uh, इस, इस रिश्ते को एक पक्का करने, करने के हाँ. लिए वो थोड़ा मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहा होता था क्योंकि वो वो मुझे लगता था बाबर कुछ कहना भी चाहता था तो उसको रोक देती थी you know? हुँ, हुँ. और मैं कहती थी, थी यार बाबर का जो रिश्ता था वो बचपन से ही पक्का वो तो ऑलरेडी पक्का एक क्या मसला था कंफ्यूजन क्या थी फिर झिझक क्या थी

तो क्या एक्सपेक्ट कर करी होती थी बार बार से तुम्हारी खाल, खाला, खाला कब आएंगी अच्छा मतलब इस रिश्ते को अब, फाइनली अब, कर दो, हाँ मतलब कर मैं, कर मैं दो बड़ी हो okay, चुकी हूँ पहले तो हम बात नहीं okay, कर पाए okay, इस बारे में तो अब खाला कब आएंगी हुँ. और कब आकर बात करेंगी तो वो कहता है कि मैं तो कह रहा हूँ कि वो आ जाए लेकिन तुम्हारी अम्मी ने मना कर दिया तो मतलब वो बहुत कंफ्यूज है कि क्यों नहीं अब वो भी तंग आ रही है कि जल्दी हो जाए लेकिन उसे पता चल रहा है तो वही बात है वो इतनी तमीज़ और वाली कि उसने कहा कि वी डोंट नीड टू सेट एक रिश्ता ही

तो उधर एक लड़की ने कहा कि मैं परेशान देख रही हूँ नाई लव उजाला नज़र भाई तो हम दोनों आए हुए थे ना तो मैंने कहा वो नाइस पहले मैं सिफियान का सुना करती थी पहले जनरली पीपल यू से कम अप तो मैं वेट कर रही थी कोई परेशान कर लाए कोई परेशान कराया तो द दर्स्ट गर्ल्ड के एम अपने फ्यू कपल अदर्स केम अप एज वेल कज़ मैं मामा का डॉमिन आती जाती रहती हूँ मामा को बहुत शौक है डॉलमिन जाने का उतना दूर है मेरे घर से लेकिन तब भी

सो मोस्ट ऑफ द टाइम आई हेट टू स्पेंड विद देम बिकॉज ऐमन राम के कोई आउटडोर सीन्स अगर हैं दे वुड गो आउट तो हम एक मेकअप रूम में कोई मतलब पूरी पलटून फंसी हुई होती थी तो कमाली और अली सफीना का कोई डिफरेंस नहीं है रियल लाइफ ओके अली सफीना वही एनर्जी है जो कमाली hmm. है hmm. कमाली की एनर्जी इतनी नहीं थी जितनी अली सफीना ने बनाई है और वो इसलिए अच्छा लग रहा है और ज़्यादा बिकॉज इट्स हिज नेचुरल तो अली सफीना में मोरू नवीन मीरा सेठी अमेजिंग ह्यूमन जिस बाई वेरी वेरी लाइक आई डोंट है उनका बात करने का तरीका इज अमेजिंग जिनेद था सेफी भाई थे जवेदिया आपा मतलब शी प्लेड माय मॉम शी लिटरली एक्टेड लाइक माय मॉम द इंटायर द एंटायरटी ऑफ द फोर वाज़ अमेजिंग एंड असद भाई ऑफकोर्स तो इट इज़ वेरी फन विद हम लोग मोरू की तरफ गए थे एक वही स्टैंडर्ड वाले सीन में बीच में एक ब्रेक थी तो वी वेंट टू इस्टार के बाद वी वेंट टू मोरूज प्लेस आई गॉट स्टक इन द एलिटर सो huh? इमेजिन yeah, so okay. so एक एलिवेटर उसमें मीरा सेठी मोरू जुनेद नवीन अली सफीना और मीरावली फंस <laughs> और मीरा वली को है क्लास टिफोबिया oh. और मीरावली को मतलब ट्रॉमा है एलिवेटर hey? में फंसने से तो पोस्टर नवीन पोस्टर वीडियो ऑफ इट ऑन इंस्टाग्राम तो फ़नी इनफ जैसे हम एंटर हुए तो मीरा ने कहा वीडियो बनाते हैं कि यूरो दिखाएँगे हम कितना क्रैपटप है इसमें मैंने कहा ओके ओके आई गेवर माई फोन वो वीडियो बना रही है और आई थिंक बिकॉज ये वो टू मेनी पीपल इन द लेफ्ट तो वो लिफ्ट बहुत भारी हो गई और कोई वेट का मसला हो गया तो वो दो फ्लोर्स के बीच में रुक गई ओके okay. मतलब फंस गई हाँ हाँ. और uh, मुरू की आवाज़ आती है उसमें तैमूर की एंड हियर वी गो कि मतलब उसका फ्लोर आ गया धक्का दे रहे नहीं खुल रहा तो अब उसने कहा वो वे डिट बी अनदर फ्लोर किस वो बीच में फंसी हुई थी तो अब वो लोग कन्फ्यूज़ हो गया और वो कह रहे हैं कि वो oh, मैं हंस क्यों क्या फिर एकदम से नवीन कहती है गर्स आर वी स्टक तो मैं हंस के कहती कहती हाँ, मैं नो नो, नो 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 और फिर मेरा जो फीक आउट करना शुरू हुआ है देर येलिंग एट मी रही में बट ऑब्वियसली इंटरनली आई एम लाइक फीकिंग आउट फिर उसके बाद उसने जिन्हें ने अलार्म बजाई तो मुझे लगा कि बच्चा चीख रहा है बाहर से तो मैं और फीकआउट कर रही हूँ डिट नॉट साउंड लाइक अलार्म जो लोग बैठे हैं प्लीज जमीन गेंसर में वीडियो देखें दैट इज नॉट साउंड लाइक एन अलार्म तो मैं डर गई और मैं कह रही हूँ और मैं वीडियो में पूरी हुआ है मैं और, और चीख रही हूँ और फिर उतनी वीडियो बंद हुई थी मीरा बल्ली वॉज फाइन थोड़ा सा डरी फिर Vettu उसके बाद मैं अपने जब फाइनली एक बंदा एक गार्ड बाहर से आया ना उसने इतनी कैजअली कहा कि खोल लिया गेट जैसे हर दिन नहीं होता है भाई क्या हो गया मोरू के जब घर गई हिज लवली वाइफ मेड एस टी एंड एवरी थिंग तो मैं सोफे बैठ के वो सही गई थी तो मुझे अली सफीना कह था तुम तो मतलब सच में ट्रामाटाइज हो मैंने कहा सफीना डिज यू नॉट सी माई मेल्टाउन मुझे लगा तो मतलब <that> नॉर्मल नहीं सी नहीं हो तो, तो नहीं 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 मुझे बहुत डर लगता नहीं है लिफ्ट में श्योर पीपल वाचिंग उनको पता होगा कि जो लोग फंसे हुए ना लिफ्ट में उनको पता होगा कि कितना अलग का शुक्र पाँच छः मिनट का वो

हमारे जो रूम था एक मेकअप रूम था उसके साथ ही एक बड़ा सा लॉन एरिया mm -hmm. था उधर सिर्फ दो चेयर लगी हुई थी okay. के और एक गोल इतनी लिटरली इतनी सी टेबल ठीक है ठीक है उसमें बस हम बैठते थे छह लोग खड़े होते थे दो लोग बैठते थे बारी बारी लेके अच्छा और वो कैफे फ्लो था।, <laughs> था और वो मतलब ये आई एम यो गाइस डू यू जैसे सफीनाया होगा कैफे फ्लो एंड आई एम लाइक पहले मुझे लगा शुरू के दिनों में कि मतलब हम एक्चुअली कैप्टन जा रहे हैं कहीं फ्लो जाने के लिए ठीक है और फिर मुझे पता चला नहीं ये तो ये है। उधर वो बाहर के नहारियाँ खा रहे होते हैं वो <laughs> इन द कैफ़े फ्लो तो बहुत फन था जो शहजीन की शादी थी उसमें हमने बहुत कैफ़े फ़्लो में बैठे और बहुत गप्पे हुई और एक दिन तो ऐसा था क्योंकि वो इवेंट था तो मतलब रात के नौ बजे शूट स्टार्ट होता था सुबह छः बजे एंड हो जाता थाफ़ okay. उफ 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 वो तो सुन सुन के नींद आना शुरू हो गया बात के बारे में आप लोग सरवाइव करते मैं तो नहीं सोच सकती एग्जैक्टली और एक दिन आया था मुझे पाँच बजे बुलाया और रात तक मेरा कोई सीन नहीं बन पाया कपल ऑफ अस होम तो मतलब मैं थी कभार होता है और ये वो mm -hmm. तो मतलब बहुत मसले भी होते बीच में बट इट्स वर्क तो सेट पे बहुत Some things I can't even tell people, बहुत अली सफीना ट्वेंटी फोर सेवन हंस आया था मतलब कोई ऐसा टाइम नहीं आया मैं मैं ना सेट पे सो जाया करती थी ना मेकअप रूम में बड़ा कंफर्टेबल था ए सी होता था, था और सीन के बीच में कुछ नहीं करने को तो मैं सो जा रही थी थोड़ी बहुत मुझे बात थी बिल्ली बिल्ली मीरम और मैं उठती थी डर के और सफीना सामने बैठा हुआ था मुझे oh रहा रहा था तो जब भी आई नो और इतनी क्रीपी बस आप और छः फुट चार का एक आदमी एक इतनी सी बच्ची के सामने और वो ऐसे खड़ा हुआ तो जो नजर आ है कि ऊपर से कोई चीज़ देख रही है आपको तो कपल ऑफ दे सको मैं मॉम वोक में आपकी मीर उठो तो एक दम सेफीनाज बिल्ली बिल्ली तो अब मुझे हमेशा वो आवाजें आती हैं <laughs> तो सफीना बहुत तो मेरी okay. okay. मतलब फन ही उधर से स्टार्ट हुआ मुबारक को भी बहुत बहुत आपको मंगनी की थैंक यू हाउस लाइफ Going after engagement, same गोइंग आफ्टर कर रही हैं सेम मोल्ड क्यों लोगों no, को क्यों नहीं लगता है कि से मुझे बटो के चले हम लोग गए थे नहीं लाइफ वैसी ही होती है कोई ऐसा मेजर चेंज नहीं आ जाता बट आई थिंक इट जस्ट यू फील स्पेशल्टू और yeah. वही चीज लाइक एक, एक वो पहन लिया ना फॉर्मल हो गया ना हां हाँ, अभी ही पहनने वाले हैं अभी ही पहनने वाले शुड प्रोबब्ली हाइड माय फिगर राइट नाउ लेकिन नहीं आई आई थिंक वो होता है कि आपके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी आती है

एक हाँ। और इस साथ जिंदगी में आपके आगे बातें करी मुझे बातें करनी आती ये अच्छा मैं मैं आपकी दोनों बातों को मैं अपनी बात और आपकी बात को कनेक्ट करी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फीलिंग स्पेशल कम्स टुगेदर कि yeah. एक बंदा आपकी जिंदगी में या बंदी एंटर हो है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, भी है उससे कनेक्शन भी है

यू जस्ट नीड अ पर्सन हु इज़ सपोर्टिंग यू एंड मतलब मेरा तो कॉन्सेप्ट um, ही ऐसा रहा है कि अगर आपको कोई कभी जिंदगी में पसंद आए तो शादी कर लोशा बिकाज़ वाई वाई आर यू पुटिंग योर सेल्फ इन रिलेशनशिप आई मीन एवरीबडी हैज़ योिनियंस every. रिस्पेक्टी बट मैं अपनी एक पर्सनल uh, बता रही हूँ कि अगर मैं किसी को कभी जिंदगी में पसंद करूँ

Hmm. If not, then I don't.

उसने के टाइम पे जो इफ्तारी किया करता था तब मैं सेट पे हुआ करती थी ओके बिकॉज होता था था मैं सेट पे काम कर रही थी इफ्तार अपनी उधर खोलती थी तो वो हर दो सेकंड बाद ना मुझे एक उजाला सीन वेरी गुड उजाला शर्माना वेरी गुड मतलब वो एक फनी तरीके में क्यूट तरीके से कॉम्प्लीमेंट भी था बहुत ही मुझे तो बड़ा अच्छा जेस्चर लग रहा है

आजकल हम इतना देखते हैं अपने आसपास इंडस्ट्री में एंड आउटसाइड इंडस्ट्री आल्सो जहाँ पे रिलेशनशिप्स नहीं सरवाइव कर रही हैं ब्रेकअप hmm. बहुत हो रहे हैं डाइवोस हो रही हैं कंसर्न hmm. नहीं था डर नहीं लग रहा बिकॉज आपकी जनरेशन से मुझे बहुत मतलब आपकी एज के लोगों से मुझे बहुत सुनने का मिलता है तो मैं जानना चाहती हूँ आपका क्या वोट वॉज ग्री फोर्थिक तो so अभी like at this moment, but, uh, मेरा like, I said मेरा जैसे कि हमेशा का मानना यही है कि अगर आप किसी को पसंद करते हो मैरी okay. दम ठीक है इंटेंशन uh, ये रखो स्टार्ट में अगर बीच है. में नहीं चला something else. लेकिन अगर आपका शुरू से इंटेंशन ही होगा तो फिर hmm. आप बहुत रिस्पॉन्सिबली लेकर चलोगे एक चीज को फसूल बातों पर नहीं लड़ोगे नहीं होंगी hmm. तो you मेरा रहते हो सबसे दूसरा बंदा बिकॉज इट्स नॉट अ जोक शादी इज नॉट अलॉर पीपल टेक इट के oh, हम प्यार करते थे तो चल जाएगी ओनली लव चीजें होती हैं जो आपको yeah. वो देखनी पड़ती हैं बट मेरा परसपेक्टिव इस पर यह था तो ये तो एक बात होगी एक पॉइंट हो गया कि मतलब मेरा ही परसपेक्टिव इस चीज के लिए दूसरी बात यह कि अनाउंसिंग इट वॉज इम्पॉर्टेंट और इस तरीके से नहीं कि मतलब लोगों को नहीं बताना इस तरीके से कि वो एक पर्सनल हमारी थिंक थी हमने इसलिए अनाउंस um, करने का प्लान किया कि चलो इसको अनाउंस भी कर लेते हैं इट वाज बिकॉज वी थॉट थ्रू इट कि यार लोगों के ना दिमाग में बहुत सवाल हैं ऑफ़कोर्स बनता है ऑडियंस है हम वो पिक्चर्स आगे आती हैं कि अच्छे लोग हैंग आउट हैं तो आगे इनका क्या फ्यूचर प्लान है क्या, है क्या है क्या नहीं और हमने कोई चीज़ कर ली है और कोई अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ नहीं है हम हर उल्टा पुल्टा काम उठा के अपने सोशल मीडिया पर डाल देते हैं तो एक अच्छी एक नेक चीज़ हुई है तो वाई नॉट शेयर टू द पब्लिक इन खुशियाँ जैसे हमें मिली हैं वैसे हम बांटते हैं एनी बडी यूज़ हैप्पी फॉर एस विल फील हैप्पी एंड ऑटोमेटिकली वो भी खुश होंगे तो आई थिंक उस पॉइंट पर हमने ये सोचा कि कन्फ्यूजन भी क्लियर कर देते हैं कि ये एक फैमिली टर्म्स पे एक बात है और एक फैमिली लिंक हो चुकी है तो मतलब इट्स नॉट एज एज सिंपल पीपल और थोड़ा बुरे नेगेटिव टर्म्स पे ना लगे मुझे हाँ. मुझे तो लगता है मेरा बहुत अच्छी बात की आपने क्योंकि आई थिंक आप जो बात बोल रही हैं वो जो लड़के लड़कियां सुन रहे हैं उनके लिए बड़ी अच्छी बात है कि हाँ. जो एक चीज खूबसूरत है उसको आपने एक फॉर्मल नाम दिया hmm. है तो वाई नॉट लेट पीपल नो इट और उसमें रिस्पेक्ट hmm. जो आप सो एंगेजमेंट इज ऑब्वियसली नॉट लाइक पीपल वर इंगेजमेंट जाती है कर जाती वो कर जाती है उधर से हम आते तो, हैं इस पॉइंट पे कि लोगों का सो द बेस्ट थिंग आई थिंक टू डू इन अ रिलेशनशिप इज टू कीप इट एज प्राइवेट एज यू कैन अफकोर्स आप इतना नहीं कर पाएंगे वन यूर पब्लिक फिगर ठीक है वो तो आप कहीं भी जाएंगे किसी ने बच्चे ले तो वो तो डलेगी डलेगी एंड ऑफकोर्स यू कॉन्ट स्टॉप हैंगिंग आउट विद अदर पर्सन इस डर से क्योंकि वीडियो ना बना ले बट द थिंग्स दैट यू चूज टू मेक पब्लिक वो उस पर अगर लोग कॉमेंट करें तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेयर करना ठीक है ठीक है।, है अगर ये हो क्या आप एक प्राइवेट मूवमेंट किसी के साथ खाना खा रहे हैं बाहर और कोई आपकी प्राइवेसी को रिस, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा और वो हाँ। बना रहे वो गलत बात है हाँ। लेकिन उसके अलावा जिस भी प्राइवेट विद एवरीथिंग और ऑनेस्टली आप किसी से शादी कोई भी हो वह आगे दूसरा बंदा आप किसी से शादी या किसी से रिलेशनशिप में इसलिए नहीं आते कि आप लोगों को खुश कर होते इफ यू फाइंड हैप्पीनेस इन इट लोगों को जितना भी उल्टा वो चीज़ लगे जितनी बुरी लगे अगर आप खुश हैं तो खत्म बात अल्लाह तला आपके लिए वो चीज़ फिर अच्छी बना देते हैं तो आई थिंक जितना आप लोगों का सोचो कि लोगों ने तो वैसे भी कहना ही कहना है आप एक अच्छी चीज़ भी करोगे तो वो लोग कहेंगे कि अच्छा देखो ये लोग ये कर रहे हैं आप नहीं भी करोगे तो देखो आप बता के नहीं रहे इंगेजमेंट की तो क्यों की नहीं की तो नहीं क्यों नहीं की तो, yeah. तो वो बहुत सवाल है तो आई रायर अबाउट सी वट माई फैमिली विद तो आई थिंक ये मेरा हमेशा से रहा है yeah. नहीं आई मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छी बात है और जितना हम लोग चीज़ों को फॉर्मल जो ट्रेडिशन थे हमारे उसकी तरफ hmm. जाएंगे उतनी ही अच्छी एग्जाम्पल और लोगों को मिलेगी देखने exactly. के लिए। और जैसे आपने कहा कि आपकी नीयत ही शादी की थी तो वाई नॉट यू नो अच्छा वट इज़ लव फॉर यू डिफिकल्ट क्वेश्चन इसलिए कि मैं um, आपकी जनरेशन या आपकी एज के जो लोग हैं ट्वेंटी के करीब जो लोग हैं वो किस तरह लव को डिफ़ाइन करते हैं और उनका परस्पेक्टिव क्या है वो क्या चीज़ ढूंढ रहे होते हैं अपने पार्टनर में ओके दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्टेस्न हम श्योर कि बहुत uh, अलग अलग इस पे ओपिनियंस होंगे दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन आई फील लाइक वही बात है कि सिर्फ प्यार में वो चीज़ नहीं होती वन यूर यू कॉन्ट डिसरिस्पेक्ट प पर प पर प पर प पर प परसन इन टेल दम की लेकिन मैं तुमसे प्यार भी तो कितना करती हूँ ठीक है अ लॉट ऑफ थिंग्स कम विद लव आई थिंक लव इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट अबाउट अंडरस्टैंडिंग इच अदर अबाउट मीटिंग इन द मिडिल ओके okay. मिडिल में मिलना बहुत ज़रूरी होता है ये नहीं mm. होता कि आप किससे प्यार कर तो आप भी उनके लिए हर चीज़ में हाँ कर दो mm. या वो भी आप चीज़ के लिए यू you नो know, हर चीज़ में हाँ कर दें इफ यू गैस डिसग्री ऑन समथिंग फाइंडिंग अ मिडिल ग्राउंड एंड रिस्पेक्टिंग ईच अदर इनफ टू यू नो बी लाइक क्या अच्छा ठीक है इस बंदी को ही नहीं पसंद हम इतना करते हैं लेकिन मुझे ही नहीं पसंद तो ये बंदी इतना कर सकती है तो वो भी एक यू नो दैट इज़ लव फॉर मी एंड जस्ट फाइंडिंग कम्पेनियनशिप एंड सपोर्ट इन अ पर्सन टू बी ऑनेस्ट इट्स एज सिंपल इज़ दैट फॉर मी आई डोंट रिक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स कि इस दिन तुम मुझे बाहर क्यों लेकर गए तो मतलब प्यार नहीं है तुम्हारा तो आई जस्ट थिंक दूसरे बंदे भी थोड़ा हाथ हौला रखना चाहिए बट आपको लगता है ये जो बातें आप बोल रही हैं बड़ी अपनी इंटरेस्टिंग बात बोली जो लास्ट में आपने बोली है कि, कि छोटी छोटी बातों पर आप फर्स्ट नहीं क्रिएट कर रही है यू नो यू आर यूर अंडरस्टैंडिंग सर्टन थिंग्स आपको लगता है ये ये जो बाकी लोगों पे भी इसी तरह अप्लाई हो रही है ये चेंज देख रहे हैं हम क्या अब जो नए लोग आ रहे हैं जो नई यूथ आ रही है बट देन अगेन देखो में दैट डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन हु स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ देम एक लड़की के सामने या एक लड़के के सामने एक अलग जो इंडिविजुअल हो सामने खड़ा हो और वो उनके लिए कुछ ना कर रहा हो ठीक है अब वो एक बेसिक चीज मांग रहे हो सर कि यार हमें बाहर ले जाओ मेक एसलग एस कि अगर वो आर नॉट आस्किंग फॉर टू मच पे डिपेंड करता uh -huh. है uh -huh. अगर आप देख रहे हैं कि दूसरा बंदा आपके लिए सब कुछ करे लाइक यू कैन नॉट बी हंड्रेड परसेंट देट भी हंड्रेड परसेंट हाउ अबाउटी टुगेदर मैं इस चीज में सोचती हूँ कि आप अपने आप से जब वन यू नॉट हार्ड ऑन योर सेल्फ आप कहीं का बदतमीजी करता है आपको पता भी नहीं चलता hmm. और ये सिर्फ बात लव एज एन रिलेशनशिप एक लड़का लड़की के बीच में नहीं ये पेरेंट्स के साथ भी है फ्रेंड्स hmm. के साथ भी है hmm. कभी कबार आप पेरेंट्स से गुस्सा कर देते हैं एग्जैक्टली आप बदतमीजी कर लेते हैं है। है। exactly, आप, yeah. है, आप वो फील नहीं करते hmm. लेकिन अगर कोई लड़का आपसे मतलब बदतमीजी से मुराद के डांट दे थोड़ा सा आपकी बात कोई बुरी लगे तो आप वो दिल पर ले लेते हैं कि नहीं इससे मुझे बोला कैसे तो यू नो आई थिंक एवरीबडी शुड बी केयरफुल विद वर्ड्स दे शुड रिस्पेक्ट ईच अदर एंड फुलफिल द बेसिक नीड्स hmm. जो लग्जरियस नीड्स हैं वो सिचुएशन पर डिपेंड करनी चाहिए फील लाइक कि अगर कहीं बाहर लेकर जाना है अगर दूसरा बंदा काम करके पूरा दिन खपा के अपना सर अपनी बॉडी hmm. अपनी एनर्जी अपना टाइम थक कर आए दैट डेज फॉर यू टू मेक हिम फील स्पेशन आई लेकिन मतलब मार्जिन okay. uh, hmm. देना चाहिए दूसरे बंदे को दैट लव फॉर मी एंड आज कल जो रिलेशनशिप्स चल रही हैं बता नहीं अल ऑफ फ्रेंड्स आई एव हैड वो लोग वही बात रिलेशनशिप को इस तरीके से लेकर चलते हैं कि बस अभी के लिए चल रही है mm. वो मुझे कभी कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया तो शायद इसलिए मैं उस चीज़ पर एग्री ना कर पाऊँ लेकिन जो लोग चला रहे हैं वो लोग चला रहे हैं फिर आगे वो लोग शादी कर लेते हैं आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यू नो मतलब प्यार में आके रिलेशनशिप में आगे फिर एंड पे आकर पता चले कि तो चल ही रहा बिकॉज यू ओनली टॉक अबाउट लव एंड नॉट अबाउट द सीरियस थिंग्स इन लाइफ जो आगे करना है कोर्स मजा आता है घूमने फिरने का सब करने का लेकिन एक पॉइंट आता है जब आप सोचते हो कि अच्छा अब अब क्या yeah. दो साल हो गए yeah. मिल रहे हैं एक दूसरे से yeah. बातें कर रहे हैं शादी नहीं करो एक फैमिली के बीच में बैठ के बात तो हो जानी चाहिए yeah, yeah. अगर आप इंटरेस्टेड हो इन गेयरिंग यू नो दिस फॉर द फ्यूचर तो जब वो सेंस आई थिंक बहुत लोगों में आ गए देखो अब कोई मजबूर नहीं है कि घर में अकेला बैठा हुआ है तो कोई चाहिए एवरीबडी इज़ वर्किंग एवरीबडी इज़ रिस्पॉन्सिबल आज कल हर मतलब अ फ्यू डेज अगो आई मेट दिस गर्ल फ्रॉम अ मैगजीन शी केम टू इंटरव्यू मी एंड वो इतनी मेचोरली बात करी थी माशाल्लाह से राबिया और मैंने से पूछा हाउ ओल्ड आर यू शी वाज 16 वाओ oh, wow. एंड आई वॉज वट एंड दिस इज लाइक ए प्रस्टीजियस मैगजीन दैट फॉर टॉक अबाउट और मैं इतना आई साइड वर्किंग बना हुआ सिफ्टीन तो मैं उसको देख कर इतना खुश हुई कि आई एम सो ग्लैड कि यह माइंड सेट अब आ गया बच्चों में yeah. कि देर नॉट डूइंग इट बिकॉज मतलब माँ बाप फोर्स करें या घर में कोई मजबूरी है दे फाइंड इट फन काम करना पसंद है रिस्पॉन्सिबिलिटी का फैक्टर आता है उसके अंदर एंड वे अंदर रिस्पॉन्सिबल काम में इन दर नॉर्मल लाइफ तो रिलेशनशिप्स में भी रिस्पॉसिबल हो जाता है फिर तो वो पर चीज़ों में नहीं घुसते जब आपका काम चल रहा है आपका दिमाग को जैसे पका रहा होगा ना आपको आगे नहीं घुसना भाई इसमें माफ कर दो आप तो लेंगे। आपको अपनी प्रायोरिटीज बेसिकली एक सेट हुई थी आपकी प्रायोरिटी क्या है आपका काम है या आपकी रिलेशनशिप है जो आपको बहुत तंग करी है काम का भी पता चलता है काम मेरे मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है That's true. people are you know पीपल आर सेल्फ़र्स्ट एंड रियली लाइक तो I think फिर तो तो लोग समझ रहे हैं इस बात को तो अच्छी बात है I think आपने बहुत important बात बताई है मीरा बाज और जो मुझे लगता है कि लोग pick करें क्योंकि मकसद इन सारी conversations का ये नहीं कि हम बैठ के बस ऐसी for the sake of ठीक है हम मैं आ, आप ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर सकते हैं बट रीजन हम ये बात कर रहे होते हैं ताकि लोगों को जैसे मुझे ये बात बड़ी आपकी अच्छी लगी कि आपने कहा कि जब वो रिलेशनशिप में सीरियसनेस ही नहीं है ठीक है आप हम मैं ये नहीं कह रही कि आप घुस के साथ बोले बट एटलीस्ट मुझे लग जो आपने बोला कि वो कह रहे थे तो बस अभी तो हम एंटर हुए चले देखते हैं क्या होता है नो वो सीरियसनेस अगर ले आए तो आप रिलेशनशिप की चीजों को जरा ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी से ज्यादा केयरफुली हैंडल करेंगे ज्यादा होंगे उस चीज में यू नो रिश्ते में तो मे बी शायद ब्रेकअप इतने नहीं हो मे अब वही बात है ना लड़कियां इतनी रिस्पॉन्सिबल हो चुकी है की अब वो टाइम ही रहा लड़की छुपो के बैठे लड़का तुम समझो बात को और मैं अब वो नहीं तो रहा अब लड़कियों को पता की बेटे Yeah. Like, nee, लेकिन डांड देक्स्ट yeah. तो बात मम्मा आपने और रोना oh. और मम्मा कहती है बात पर रो जाती हो तो मतलब सबके सामने ही रोतीस बहुत सर्टन होंगे जिनके सामने मतलब ये एक बैरियर मेरा नहीं है बट आई क्राई लॉट वन पीपल मुझसे वो और मुझसे ना तंग होती है, मेरे कान अजीब yeah. हो जाते हैं मतलब चुप आवाज हम सब लोगों की में इतना कुछ और हो रहा है थे हमें नहीं सुननी बदतमीजी से बात आपने बात करनी है हमारी कोई बात अच्छी नहीं लगी या कोई चीज से, तो से बात करिए कोई ठीक नहीं नहीं है

आई एम नॉट स्केयर्ड बिकॉज के वो दूसरे बंदे के लिए आई एम अनस्केर्यर्ड कि मैं कोई गलती ना कर दूँ okay. मैं अपने आप को फिक्स करूँगी तो दूसरा बंदा भी अपने आप को फ़िक्स yeah. करेगा ऐसे नहीं हो सकता इतना कोई आई थिंक बहुत कम ऐसे पागल लोग होते हैं दूसरा बंदा इतना अच्छा होता है और खुद पागल हुए होते हैं hmm. मैं अगर कोई बदतमीजी करूँगी तो आगे से एक बदतमीजी का रिस्पॉन्स आएगा ना इफ़ आई कीप माई सेल्फ काम एंड कभी कभी ये भी होता है आपको मीडिएटर बनना पड़ता है दूसरा बंदा गलत बात कर रहा होता है आप ठीक बात कर रहे होते हैं लेकिन योर लव शुड ओवर पावर तो सी मतलब बात अगर वो एक छोटी बात है ईगो को, को। कर देना हुँ, चाहिए हुँ, हुँ. कि ठीक है मैं गलत हूँ दिमाग में सोचो बट दिस पर्सन लड़ रहे हैं मर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सॉरी यार खत्म करते हैं इस हुँ. बात को चलो ये बात मुझे बुरी लगी काम ही समझा दो आज के बाद नहीं करते खत्म बात यू नो तो आई जस्ट फील लाइक आई एम अबाउट सेल्फ कि आई होप मैं अपने आप को इतना मेच्योर कर लूँ बाई टाइम कि मैं आगे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल कर सकूँ इन तो सिर्फ ये टेंशन उसके अलावा तो चल है ये जो आप लोग का एज ग्रुप है आप फ्रेंड से भी बात करती हूँ कि ये जो नए यूथ भी आ रही है यू इंटरेक्ट ऑफ़ यू नो एज ग्रुप्स तो कॉम्प्रोमाइज़ uh, का कॉन्सेप्ट है आप लोगों no के यहाँ या कॉम्प्रोमाइज इज़ अ बिग नो फॉर यू गाइज कि नहीं

कॉम्प्रोमाइज वॉज लाइक कुछ भी है शादी चलानी ही चलानी है या रिलेशनशिप चलानी या कोई भी काम करना ही करना है अब वही वो वो बात ना पीपल गर्ल्स आर आर सो सो गाइस दे कैन टेक केयर ऑफ देमसेल्फ तो, तो कैसे चेंज हुआ कांसेप्ट आई थिंक चेंज ऐसे हुआ कि व्हेन वुमेन फाइनली रियलाइज कि वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन अ मैन टू क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी टॉक्सिक फैमिलीज देखी हैं बहुत क्लोजली भी देखी हैं जहाँ पे एक औरत एक आदमी के साथ इसलिए हैं क्योंकि बच्चे कौन संभालेगा दैट इस ओनली कंसर्न रहा उसके अलावा hmm. कुछ नहीं वो बंदा बुरे से भी बुरा होगा लेकिन क्यों रह रही है एंड ये है हमारी अम्मियों की जनरेशन का टाइम yeah. उधर से उस जनरेशन के बाद अब हमारा एक क्रैक आया है hmm. कि अच्छा ये टूटेगा स्टिग्मा जो बना हुआ है पूरा hmm. ठीक है और ये जो पूरा नारेटिव बना हुआ है टूटेगा yeah. और ये वाला चीज़ शुरू होगी yeah. तो वो उस टाइम से बात आ रही है कि नहीं मैं क्या करूँ बच्चों को मुझे संभालना है एक माँ की और एक बाप की अपनी भी जिंदगी होती है बच्चे हैं आई बिलीव इन गिविंग आर पेरेंट्स अन गो एंड वर्क इफ दे वॉन्ट टू माई मॉम टू जॉइन जिम आईट बिकॉज उनकी भी जिंदगी जिस बिको शीज़ अ मॉम और शीज़ सर्टन एज क्यों नहीं जा सकती उनकी औरतें तो इस उम्र में अच्छी लगती है काम करते हुए तो वो एक औरतों का कल्चर में इतना बुरा बना दी सोसाइटी ने कि नहीं तुम्हें तो चलानी पड़ेगी क्योंकि देखो एक डिवोर्स ही कितनी बुरी मानी जाती है क्यों बुरी मानी जाती है वो जो राधर एक बात की थी ना किसी ने कोई बीच में बात हुई थी कि यू नो लॉट ऑफ ऑफ बैड केसेस गोइंग ऑन बिकॉज वुमेन डिसाइड टू स्टे स्टेन रिलेशनशिप बिकॉज ऑफ मजबूरी एक मजबूरी थी उसके पास और कुछ नहीं था कि अब क्या करें घर जाकर कैसे मुंह दिखाए अपने फैमिली को yeah. क्योंकि एक डिवोर्स ही होना बहुत बुरा कॉन्सेप्ट था yeah. जो कि गलत बात है आई एम सो ग्लैड कि ये चेंज हो रहा है चेंज तो काफी हद तक मैं कहती हूँ कि अगर 10 100 परसेंट में से भी बीस परसेंट भी हो गए yes, तो आई वो लाइक टू लुक फॉरवर्ड टू द ट्वेंटी एटी परसेंट तो नहीं हुआ लेकिन यू नो इट्स स्टिल देयर ठीक है mm. तो आई थिंक कि एक लड़की का अनहैप्पी होना एक रिलेशनशिप में क्यों आई थिंक पीपल शुड एक्सेप्ट दिस यू नो थिंक चलो शी वज स्ट्रांग इनफ टू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप और ही वॉज स्ट्रॉन्ग इनफ टू गेट आउट ऑफ रिलेशनशिप यू नो गोज बोथ वेस बिकॉज आई एम अ गर्ल तो मैं शी से रेफर करके mm -hmm. बात कर रही हूँ एंड वही बात कि कभी कभार जो छोटी सिचुएशंस होती हैं उनको मीडिएट करने के लिए यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ नॉट इन अ वे के एक बंदा आप पे चीख रहे फॉर स्टूपड रीजंस और आप जस्ट सो so कि आप उसे प्यार करते कहते हो ठीक तो है तुम ठीक हो और आप खत्म उसकी बातों में वो हो जाओ नहीं काम भी अपना पॉइंट एक्सप्लेन करो अगर नहीं समझ रहा टॉक टू योर मॉम टॉक टू हिज़ मॉम एक थोड़ा बड़ों से भी बात करें कि ये बच्चा hmm. नहीं समझ रहा ठीक है hmm. मैंने प्यार से समझाने की कोशिश की मैंने गुस्से समझाने की कोशिश की नहीं समझ रहा All, yeah. mm, फिर तो प्यार नहीं फिर तो mm. आप इतना exactly, mm. बुरा मान रहे हैं yeah. आपने कभी गलती कर दी दूसरे बंदे को भी इतनी रिस्पेक्ट आपके लिए होनी चाहिए कि वो तमीज से आपको बात बिल्कुल कभी अगर वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाए तो दूसरा बंदा मीडिएट कर दे कभी ये बंदा फ्रस्ट्रेटेड हो दूसरा बंदा मीडिएट कर हाउ इट गोस मतलब ये चलता रहता है वही बात आप 50% अपना दो मैं फिफ्टी लेट्स मेक इट 100% तो दैट्स हाउ इट गोज आप नाराज हो जाती हैं तो आसम गा के मनाते हैं <laughs> आसम गाता फिर बहुत फिर है ना फिश है हाँ। भाई फिश मैं नाराज हो जाती हूँ मुझे सोचना मैं कब लास्ट टाइम हूं नहीं नहीं हुई तो हूं लेकिन जो मैं सिचुएशन बता पाऊँ अच्छा ना कहता है सच में

<laughs> ये जाएगा लेकिन क्या हाँ, क्या और क्या सवाल है नहीं नहीं मैं ऐसी, ऐसी मुझे मजे की लगती है ऐसी ना क्यूट क्यूट डिटेल सुनना और मुझे लगता है दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है क्योंकि ऑनेस्टली आई फील हम इतनी सैड स्टोरी सुनते हैं मीरब इतनी exactly. ये खराब हो गया वो खराब हो गया ये कपल टूट गया इसका कि पॉजिटिव और अपलिफ्टिंग स्टोरी सुनना ही मुश्किल हो गया बिल्कुल हाँ. तो जब कोई इतनी प्यारी बातें करता है सुनने को मिलती है तो मुझे तो लगता है कि अच्छा लगता है लोगों को भी हाँ. ड्रीम ड्रीम्स भी तो देने हैं ना लोगों को नॉट सिर्फ ड्रामे रियल लाइफ से भी या. तो ये ऐसी बातें लोगों को ड्रीम्स देती है और आई थिंक लड़कों के बड़ा अच्छा आईडिया है कि गाना लिखें और गा के सुनाएं सॉरी गाइस आप लोगों क्या है लड़कों को स्पेशली सॉरी बहुत एकदम से स्टैंडर्ड मैंने चैलेंज सेट नहीं, कर दिया है आई विल रीफ्रेज लेकिन मैं गा नहीं मतलब इतना उस तरीके से नहीं गा सकती

हूँ yeah. hmm. इस बार मैं. मैं गिल्ड में रह जाऊंगी जिंदगी भर तक एग्जाम्पल आपसे बदतमीज से बात कर ली hmm. और वो इतनी ना हो लेकिन आपको कुछ हो जाए और यू कॉन्ट फॉर गिव मी

होपफफली बातें यू नो आई वुड बी ग्लैड कि आगे लोगों को पता चलें ट्राइंग टू यू नो नो एवरी थिंग अबाउट लाइफ आईसो ट्राइंग टू फिगर माई सेल्फ फिगर माई वे थ्रू लाइफ लेकिन वर एवर आई नो आई वुड लव टू शेयर जो मैंने ट्राई ट्राइड टेस्टेड एक चीज़ होती है और मेरा मुझे लगता है अब आप चाहें नहीं चाहें वो रिस्पांसिबिलिटी आ जाती है बींग पब्लिक फिगर एंड इन्फ्लुंसर अब तो एक्टिंग में भी आप अपना काफ़ी यू नो कदम जमा रही हैं तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है जहाँ आप अपने व्यूज शेयर करें विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड लोग उसको अपनाते हैं, hmm. कुछ कुछ हैं। तो तो जॉब है exactly. तो so <laughs> के लिए अपलाई करूंगी तो बहुत अच्छा होगा <laughs> <laughs> चलिए जी थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम स्क्रिप्ट आपके मुझे पता चला है कुछ आपके हाथ में हम देखते रहेंगे देखते तो रहेंगे मिलते रहेंगे खुशाम आईन के साथ मैं हूँ मीरा वली और ये हैं राबिया मुग्नी उह देखा खत्म है नहीं कि इख्तिदार वगैरह बिल्कुल चलें टेक केयर लव यू टेक केयर लव